नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम गर्ग और आप देख रहे हैं नंगल सिटी अपडेट। उपमंडल स्वारघाट के गांव बहल की शीतल दीवान का असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर फिजिक्स के लिए चयन हुआ है। इस समाचार के मिलते ही गांव बहल में खुशी का माहौल है। शीतल ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता व अपने ससुराल को दिया है। शीतल के मायके पंजाब के होशियारपुर में हैं, जबकि शीतल की शादी जिला बिलासपुर के गाँव बहल में हुई है। शीतल की प्रारंभिक शिक्षा लिटिल फ्लावर हाई स्कूल में शुरू हुई थी, जिसके बाद शीतल ने राजकीय महाविद्यालय होशियारपुर से बीएससी की। इसके बाद होशियारपुर के ही दसूहा कॉलेज से शीतल ने अपनी एमएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद नेट और गेट क्वालिफाई करने के बाद अब शीतल ने एचपीपीएससी के इस टेस्ट को पास करके यह मुकाम पाया है। इसके साथ ही अब शीतल धीमान ने लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स की 40 सीटों पर छठा स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। स्वारघाट से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं अपनी इस मुकाम पे आने का श्रेय अपने मम्मी पापा और अपने पति और अपने ससुर जी को देना चाहूँगी, क्योंकि मम्मी पापा ने मुझे इतनी पढ़ाई करवाई और मतलब इस मुकाम तक पहुँची कि मैं उस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकूँ। और मेरे पति और मेरे ससुर जी ने मुझे मतलब शादी के बाद भी पढ़ने के लिए मतलब मौका दिया, ताकि मैं अपनी पढ़ाई आराम से कर सकूं, ताकि उस टेस्ट को क्वालिफाई करके और इंटरव्यू में मतलब मैंने अपने पति से मतलब बहुत सारी मतलब हिमाचल के बारे में जानकारी ली, ताकि मैं उस इंटरव्यू में उस हिमाचल के बारे में भी बता सकूं अपने सब्जेक्ट के साथ साथ। और मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पंजाब से होशियारपुर के एक छोटे से कस्बे से ली है, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर से पढ़ी हूँ। और उसके बाद मैंने होशियारपुर के ही JCDAV कॉलेज दसूहा से MSc फिज़िक्स की थी, और उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया, उसके बाद मैंने गेट भी क्वालिफाई किया हुआ है। गेट मैंने दो बार क्वालिफाई किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में टेस्ट निकला था, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मैंने उस टेस्ट को भरा था। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तब ये इसका रिज़ल्ट आया। उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू की तैयारी की, उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में मेरा 6 नंबर आया है, और पूरे हिमाचल में मैं 40 सीटों में से 6 नंबर पे। शादी के बाद आपको जैसे बताइए कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जॉब के साथ साथ भी हमें मतलब पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी मेरे घर वालों ने मेरा पूरा साथ दिया ताकि मैं इस इंटरव्यू को पास कर सकूँ।